हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है दही बड़ा। और कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है तो उनको कुछ नाश्ते में देने के लिए समझ नहीं आता है कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, तो चलिए दही बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल और एक कटोरी लिया है हमने उड़द का दाल। ये देखिए, हमारे पास उड़द का दाल नहीं है, हमने उड़द लिया है बगैर छिलके वाली उड़द है। आप ब्लैक उड़द या ग्रीन उड़द, कुछ भी उड़द का दाल ही भिगोएं बड़े के लिए। देखिए, हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। देखिए, फूलने के लिए हमें रख देना है 2-3 घंटे के लिए, जो आके अच्छे से हमारा ये फूल जाए। ये देखिए, ये हमारा फूल चुका है। जिस प्रकार से ये देखिए हमारा फूल के, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। 2-3 घंटा ये हमारा हो गया है। ये देखिए, इसको अच्छे से धुल लेना है। एक बर्तन में जाली डाल, बर्तन में डाल के इसको धुल लेंगे। देखो, जिस प्रकार से इसे हमें धुल लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे, पानी थोड़ी से इसके निकल जाएंगे। ये देखिए, हमारा धुल के आ चुका है। अब इसे एक मिक्सी जार में डाल के और पीस लेंगे। कुछ इस प्रकार से इसे मिक्सी जार में डालना है और हमें इसे पतला करके पीसना है। इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच हींग, क्योंकि उड़द का दाल जल्दी से पचता नहीं फ्रेंड्स, हैवी होता है, इसलिए हींग डालेंगे, हमें गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होती है। और इसमें डालेंगे जीरा, जीरा टेस्ट के लिए। ये देखिए, अभी थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे पीस लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा पीस के आ चुका है। ये देखिए, हमारा पीस के आ चुका है। कुछ इस प्रकार से हमने पीस लिया है इसको। ये देख सकते हैं, सारा इस जार में से निकाल के एक बर्तन में रख देंगे फूलने के लिए। जितना अच्छा फूलेगा उतना अच्छा ही हमारा वड़ा बन के तैयार होगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पीस के हो गया है। और जो हमारा दूसरा दाल बचा हुआ है उसको भी हमें इसी प्रकार से पीस लेना है, क्योंकि एक बार में इकट्ठे नहीं पीस के होते, हमारा थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हम इसको 2 बार में पीसेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने उसको भी पूरा पीस के इसमें मिक्स कर लिया है और एक बर्तन में इसे फूलने के लिए रख देंगे। 2 बार में पीसेंगे तो दोनों बार भी हमें इसमें नहीं सब कुछ ऐड करना है, हमने एक बार में ही डाल दिया था जीरा और हींग, दोबारा नहीं डाला है फ्रेंड्स। उसको अच्छे से फेंट के हमने एक बर्तन में रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दही बड़ा बनाने के लिए हमने दही लिया है। दही हमारा फ्रेश है, हमने घर पर ही दही बनाया था। आप चाहें तो मार्केट से भी दही ले सकते हैं, पर हमने घर पर ही बनाया था। हमारा 1/2 किलो दही है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, सादा नमक है, और इसमें ऐड करेंगे 6 चम्मच चीनी। दही बड़ा बनाने के लिए चीनी और नमक को एक साथ फेंट करके रख देंगे हम। ये देखिए, 6 चम्मच चीनी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्सर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो दही की थोड़ी गुठलियाँ वगैरह रहें सब अच्छे से मिक्स होके मिल जाए। इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। हमने फ्रेश दही से बनाया है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी दही जो है फेंट के हमने रख दिया है। अभी इसे ढक करके रख देंगे फ्रेंड्स। जो शक्कर हमारा घुला नहीं होगा वो घुल जाएगा अच्छे से। ये देखिए, हमने एक पैन गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हमने ऑयल डाला है फ्रेंड्स, आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें ऑयल डाल देंगे गरम होने के लिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, हमारा ऑयल गरम हो चुका है और हमारे वड़े भी फूल चुके हैं, तो इसलिए इसमें एक एक करके अब वड़े ऐड करेंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे वड़ों को इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे करके ये देखिए पलट देंगे, और स्लो करके रखेंगे तो अंदर के जो वड़े होंगे वो कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छे से पक जाएंगे। देखिए, सारे एक एक वड़े हमें पलट लेना है कुछ इस प्रकार से, और लो फ्लेम पे ही हमें रखना है इसे। ये देखिए, हमारा पलट के हो गया है, अंदर से हमारे वड़े पक चुके हैं। ये देखिए, अभी हमें हाई फ्लेम पर करके इसे अच्छे से निकाल लेना है कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स। इसे सारे बड़ों को छान के निकाल लेना है, और इसे एक बाउल में हमने पानी लिया है, और पानी में वड़े को गरम गरम ही डाल देंगे तो अच्छे से पानी अब्जॉर्ब करके ये हमारा वड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिसमें ऑयल रहते हैं सारे ऑयल पानी में छन जाएंगे।
से, ये देखिए इसे हल्के हाथों से दबाना है, दबा के पानी निकाल लेना है फ्रेंड्स। ज़्यादा तेज नहीं दबाना है हमें, इसे हल्के हाथों से दबाना, नहीं तो हमारे वड़े क्या फूट जाते हैं। ये देखिए एकदम हल्के हाथों से दबा के इसे हमें कुछ इस तरह से छान के, ये जो हमारे दूसरे वड़े हैं उसे भी हमें इसमें ऐड कर देने हैं पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर हाई फ्लेम पे रखेंगे और जब इसे पलट देंगे तो लो फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वड़ा सर्व करने के लिए रेडी है। चलिए फ्रेंड्स दही वड़ा हम सर्व करते हैं। उसके लिए लिया हमने वड़ा, उसके बाद डालेंगे दही, इसमें डालेंगे हम चटनी। चटनी वो खट्टी मीठी इमली की चटनी है, उसकी रेसिपी हमारे चैनल में है। आप खट्टी मीठी चटनी के नाम से, इमली की चटनी के नाम से सर्च करेंगे फ्रेंड्स वो आपको मिल जाएंगी। ये हमने डाला है चाट मसाला, ऊपर से हमने डाला है धनिया पत्ती डेकोरेशन के लिए, और हमने डाला है थोड़े से अनार। अनार ऑप्शनली है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। ये देखिए हमारा दही बड़ा रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया है उसको भी खिलाना चाहते हैं आप खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छे बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। Some keep it sunny, seems like a